हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश कुमार मीन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो, पिछले वीडियो में अपन ने आहार नाल की संरचना कंप्लीट कर ली थी। अपन पाचन तंत्र पढ़ रहे थे और पाचन तंत्र दो भागों से मिलकर के बना होता है, आहार नाल और पाचक ग्रंथियां। तो आहार नाल अपन ने कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद देखो, अगला पॉइंट आता है अपना पाचक ग्रंथियां। तो आहार नाल से संबंधित मानव में तीन पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं। पाचक ग्रंथियां कितनी होती हैं? तीन। अब देखो कौन कौन सी होती हैं ये तीन पाचक ग्रंथियां। नंबर एक लार ग्रंथियां, नंबर दो यकृत ग्रंथि और नंबर तीन अग्नाशय ग्रंथि। इस लार ग्रंथि के बारे में अपन ने मुख गुहा की जब संरचना पढ़ी थी तो वहां पर पढ़ लिया था, लेकिन एक बार फिर से देख लो। जो मानव होता है, मानव के अंदर तीन जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है और ये तीनों जोड़ी लार ग्रंथियां मुख गुहा में पाई जाती है। तीन जोड़ी लार ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं? नंबर एक पैरोटिड लार ग्रंथियां होती हैं, दूसरी अधोजिह्वा या सब लिंगुअल और तीसरी होती है अधोजंब या सब मैक्सिलरी। तो मुख गुहा में तीन जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, पैरोटिड, अधोजिह्वा और अधोजंब। ये तीनों जोड़ी लार ग्रंथियां लार का स्राव करती हैं। तीनों जोड़ी लार ग्रंथियां लार का स्राव करती हैं। ये लार होता है, इसका लगभग 99% भाग जल होता है। लार का लगभग 99% भाग जल होता है। शेष भाग में श्लेष्मा होती है। एक तो क्या होती है? श्लेष्मा। इसके अलावा टाइलिन और एक लाइसोजन। तो लार में दो एंजाइम पाए जाते हैं, एक तो टाइलिन होता है और दूसरा लाइसोजाइम होता है। इनमें से भी देखो, जो टाइलिन एंजाइम है ये पाचक एंजाइम है और ये टाइलिन एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है। यानी टाइलिन पाचन किसका करेगा? स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का। दूसरा एंजाइम है ये है लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम पाचक एंजाइम नहीं है, यानी ये किसी भी प्रकार का कोई पाचन नहीं करता है। लाइसोजाइम एंजाइम केवल जीवाणुओं को नष्ट करने का काम में करता है, यानी भोजन के साथ जो जीवाणु आते हैं उन जीवाणुओं को नष्ट करने का काम लाइसोजाइम करता है। और टाइलिन होता है ये स्टार्च का पाचन करता है। तो पाचक ग्रंथियों में लार ग्रंथियां पढ़ने पढ़ ली है। अब इसके बाद नंबर दो, दूसरी ग्रंथि आती है यकृत। अब देखो यकृत या लीवर, जो लीवर है मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। और मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि भी कौन सी है? लीवर या यकृत। एक स्वस्थ मनुष्य में इसका भार 1.2 किलोग्राम से लेकर के 1.5 किलोग्राम तक होता है। यानी स्वस्थ मनुष्य में इसका भार 1200 ग्राम से लेकर के 1500 ग्राम तक होता है। अब विवेक स्थित कहां होता है, यानी कहां पर पाया जाता है? तो यकृत डायफ्राम के नीचे दाईं ओर स्थित होता है। यकृत डायफ्राम के नीचे दाईं ओर स्थित होता है। इससे पहले अपन ने आमाशय पढ़ा था, तो आमाशय कहां होता है? आमाशय डायफ्राम के नीचे बाईं ओर स्थित होता है और दाईं ओर क्या पाया जाता है? यकृत। यकृत है ये चार पालियों से मिलकर के बना होता है, लेकिन इनमें से दो ही प्रमुख पालियां होती हैं। यानी यकृत में दो प्रमुख लोब या पालियां पाई जाती हैं। ये लोब कौन से हैं? एक को बोलते हैं राइट लोब
और एक को बोलते हैं लेफ्ट लोब, यानी यकृत में दो प्रमुख लोब या पाली होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। जो राइट लोब होता है, दाई पाली होती है, ये लेफ्ट लोब से बड़ी होती है, यानी यकृत की दाई पाली बाई पाली से बड़ी होती है। इनके अलावा यकृत में दो और लोब पाए जाते हैं जिनको क्वाड्रेट और कोडेट कहते हैं। तो इस प्रकार यकृत में टोटल लोब चार होते हैं, लेकिन प्रमुख कितने होते हैं? दो। इनमें भी ध्यान रखना, राइट लोब होता है ये लेफ्ट लोब से बड़ा होता है। अब यहां पर देखो यकृत की अपन ने संरचना बढ़ाई है। ये यकृत है, ये इसकी दाई पाली है या राइट लोब है, और ये इसकी बाई पाली या लेफ्ट लोब है। अब देखो ये राइट लोब है, ये इस लेफ्ट लोब से क्या है? बड़ा है। इस राइट लोब से एक नलिका निकलती है और इसी प्रकार लेफ्ट लोब से भी एक नलिका निकलती है, यानी यकृत की दाई पाली और बाई पाली दोनों से एक एक नलिका निकलती है। जो पालिका, जो नलिका दाई पाली से निकलती है उसको राइट हिपेटिक डक्ट कहते हैं, दाई यकृत वाहिनी कहते हैं, और जो नलिका लेफ्ट लोब से निकलती है उसको लेफ्ट हिपेटिक डक्ट कहते हैं। तो ध्यान रखना, राइट लोब से निकलने वाली नलिका को तो क्या बोलेंगे? राइट हिपेटिक डक्ट, और लेफ्ट लोब से जो नलिका निकलती है उसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। अब देखो ये दोनों हिपेटिक डक्ट है आगे आकर के जुड़ जाती है। जब ये जुड़ करके एक नलिका बनाती है तो उसको कॉमन हिपेटिक डक्ट कहते हैं, यानी राइट हिपेटिक डक्ट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट दोनों जुड़ करके कॉमन नलिका बनाती है जिसको कॉमन हिपेटिक डक्ट कहते हैं। अब देखो जो ये यकृत का राइट लोब होता है, इस राइट लोब के नीचे एक थैली नुमा संरचना लटकी होती है, और उस थैली नुमा संरचना को क्या बोलते हैं? पित्ताशय या गॉल ब्लैडर। तो ध्यान रखना, लीवर के राइट लोब के नीचे एक थैली नुमा संरचना लटकी होती है जिसको पित्ताशय या गॉल ब्लैडर कहते हैं। इस पित्ताशय के अंदर, इस पित्ताशय के अंदर पित्त रस संग्रहित होता है। अब देखो जो पित्त रस होता है, पित्त रस का निर्माण तो यकृत में होता है और पित्त रस का संग्रह पित्ताशय में होता है। तो ध्यान रखना, पित्ताशय लेफ्ट लोब में, राइट लोब में पाया जाता है और इसमें पित्त रस संग्रहित होता है। अब देखो इस पित्ताशय से एक नलिका निकलती है जिसको सिस्ट डक्ट कहते हैं, यानी पित्ताशय से जो नलिका निकलती है उसको क्या बोलते हैं? सिस्टिक डक्ट। अब ये सिस्टिक डक्ट है, ये आगे जाकर के किसमें जुड़ी हुई है? कॉमन हिपेटिक डक्ट में। तो सिस्टिक डक्ट कॉमन हिपेटिक डक्ट से जुड़ करके कॉमन बाइल डक्ट बनाती है, सामान्य पित्त वाहिनी बनाती है। एक बार दोबारा से देखना इसको, यकृत में दो लोब होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। राइट लोब से राइट हिपेटिक डक्ट निकलती है और लेफ्ट लोब से लेफ्ट हिपेटिक डक्ट निकलती है। ये राइट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट आगे आकर के जुट जाती है जिसको कॉमन हिपेटिक डक्ट कहते हैं। इस कॉमन हिपेटिक डक्ट में सिस्टिक डक्ट जुड़ जाती है। सिस्टिक डक्ट किससे निकलती है? पित्ताशय से। तो ये क्या कहलाएगी? कॉमन बाइल डक्ट, या इसका दूसरा नाम है डक्ट्स कोलोडोकस। कॉमन बाइल डक्ट या डक्ट्स कोलोडोकस, इन रिमिस को बोलते हैं सामान्य पित्त वाहिनी। अब देखो ये अब यकृत है, यकृत के नीचे यहां पर देखो अपन ने गृहिणी बना रखी है। अब ये जो
कोमल वायुडक्ट है ये अग्नाशय से होती हुई कहती है ग्रहणी के पास आकर के खुलती है, यानी इसी कोमल वायुडक्ट में अग्नाशय नलिका जुड़ी होती है। तो सामान्य पित्तवाहिनी और अग्नाशयी वाहिनी दोनों आकर के ग्रहणी में खुलती है। इनके खुलने के रंध्र पर एक अवरोधिनी पाई जाती है और उस अवरोधिनी को ओडाई की अवरोधिनी कहते हैं। ये तो बात हो गई यकृत के लोब्स की। तो यकृत है, यकृत लोब्स से मिलकर के बना होता है। ये लोब्स होते हैं, इसकी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होते हैं। अब देखो इस लीवर का निर्माण अनेक यकृत पालिकाओं से होता है जिनके बारे में पढ़ने पढ़ लिया। अब ये जो यकृत पालिकाएं होती हैं, यकृत पालिकाओं का निर्माण यकृत कोशिकाओं से होता है और यकृत कोशिकाओं को हिपेटोसाइट भी कहते हैं। तो यकृत पालिकाओं का निर्माण किससे होता है? हिपेटोसाइट्स या यकृत कोशिकाओं से। अब देखो ये अपन ने यहां पर एक संरचना बना रखी है। ये यकृत कोशिकाएं हैं जो पंक्ति में व्यवस्थित होती हैं। ये यकृत कोशिकाएं मिलकर के यकृत का निर्माण करती हैं। देखो इन दो पंक्तियों की, यकृत कोशिकाओं की दो पंक्तियों के बीच में संकरे अवकाश पाए जाते हैं। इन संकरे अवकाशों को हिपेटिक साइनोसोइड कहते हैं। जो ये संकरे अवकाश होते हैं यकृत कोशिकाओं के बीच में, उन संकरे अवकाशों को क्या बोलते हैं? हिपेटिक साइनोसोइड या यकृती कोटरिया। इन यकृती कोटरियों के अंदर कूफर कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी कोशिकाएं? कूफर कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कूफर कोशिकाओं को महापक्षकाणु कोशिकाएं भी कहते हैं और ये कूफर कोशिकाएं जीवाणुओं और मृत रक्ताणुओं का विघटन करने का काम करती हैं। तो ये ध्यान रखना यकृत में कौन सी महापक्षकाणु पाई जाती है? कूफर कोशिकाएं। ये जीवाणुओं को नष्ट करती हैं और जो जीर्ण शीर्ण रक्ताणु होते हैं उनको भी नष्ट करने का काम करते हैं। अब देखो जो ये यकृत कोशिकाएं हैं इनके किनारों पर तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक तो होती है यकृत धमनी, एक होती है पित्त नलिका और एक होती है यकृत निवायिका शिरा। यानी ये तो क्या है? यकृत धमनी, ये है पित्त नलिका और ये है यकृत निवायिका शिरा। ये तीनों मिलकर के एक विशिष्ट संरचना बनाती है जिसको निवाहिका त्रिक कहते हैं। यह हो गई यकृत की संरचना। अब इसके बाद देखते हैं अपन यकृत के कार्य। तो देखो यकृत का प्रमुख या मुख्य कार्य क्या है? तो यकृत का प्रमुख कार्य होता है पित्त रस का निर्माण करना। यकृत का प्रमुख कार्य क्या है? पित्त रस का निर्माण करना। अब ये जो पित्त रस होता है ये हरे रंग का क्षारीय तरल होता है। पित्त रस हरे रंग का क्षारीय तरल होता है। इस पित्त रस में पित्त लवण और पित्त वर्णक पाए जाते हैं। पित्त रस में क्या पाए जाते हैं? पित्त लवण और पित्त वर्णक। अब यहां पर देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, वो क्या? जो पित्त रस होता है इस पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। तो ध्यान रखना पित्त रस में एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। पित्त रस में किसी भी प्रकार का कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्त रस में केवल पित्त लवण और पित्त वर्णक पाए जाते हैं। पित्त लवण कौन कौन से हैं? तो सोडियम बाई कार्बोनेट, ग्लाइकोकोलेट और टोरोकोलेट, ये पित्त लवण हैं जो यकृत में पाए जाते हैं। अब ये पित्त लवण क्या करते हैं? तो पित्त लवण वसा का पायसीकरण करते हैं।
पितलवण वसा का पायसीकरण करते हैं। पायसीकरण का मतलब क्या है? पायसीकरण का मतलब है वसा के जो बड़े अणु होते हैं उन बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पायसीकरण। तो देखो ये एक वसा का बड़ा अणु है, इसको पितलवण क्या करते हैं, ये छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पायसीकरण। तो ध्यान रखना जो पितलवण होते हैं ये वसा का पायसीकरण करते हैं, क्योंकि जो बड़ी वसा होती है उस पर एंजाइम कार्य नहीं कर पाते हैं, इसलिए वसा के बड़े बड़े अणुओं को छोटे अणु में तोड़ना पड़ता है। अब देखो इसके अलावा जो पितरस है, पितरस भोजन को सड़ने से बचाता है। पितरस भोजन के अंदर कोई यदि जीवाणु है तो जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। इसके अलावा पितरस कैसा पदार्थ है? पूर्ण पटा पितरस हल्का क्षारीय पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? क्षारीय। तो देखो आमाशय से भोजन आता है ग्रहणी में और पितरस भी का आता है ग्रहणी में, तो आमाशय में भोजन का माध्यम कैसा होता है? अम्लीय। तो ये पितरस क्या करता है? भोजन के माध्यम को अम्लीय से क्षारीय बनाता है। पितरस भोजन के माध्यम को अम्लीय से कैसा बनाता है? क्षारीय बनाता है, क्योंकि अग्नाशय रस के जो एंजाइम होते हैं वो अम्लीय माध्यम में क्रिया नहीं करते हैं। अग्नाशय रस के एंजाइम केवल क्षारीय माध्यम में क्रिया करते हैं, इसलिए भोजन को ग्रहणी में कैसा बनाया जाता है? क्षारीय। और क्षारीय बनाने का काम कौन करता है? पितरस। अब इसके अलावा देखो पितरस में अपन ने पढ़ा कि पित्त लवण और पित्त वर्णक पाए जाते हैं। तो पित्त लवण अपन ने पढ़ लिया, अब देखो पित्त वर्णक। तो पितरस के अंदर बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन नामक पित्त वर्णक पाए जाते हैं। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन नामक पित्त वर्णक पाए जाते हैं। ये पित्त वर्णक है, ये उत्सर्जी पदार्थ है। कैसे पदार्थ है? उत्सर्जी पदार्थ। इनका कोई विशिष्ट कार्य नहीं होता है, लेकिन यदि इन पित्त वर्णकों की मात्रा शरीर में बढ़ जाए तो ये शरीर में जमा हो जाते हैं और शरीर का रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है, और इस रोग को क्या बोलते हैं? पीलिया। तो ये भी ध्यान रखना पित्त वर्णक उत्सर्जी पदार्थ है। पितरस में कौन से पित्त वर्णक पाए जाते हैं? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। इनका वैसे कोई विशिष्ट काम नहीं है, लेकिन यदि शरीर में इनकी मात्रा बढ़ जाए तो पीलिया रोग हो जाता है। तो यकृत के कार्य पढ़ रहे थे, पहला कार्य पढ़ने पड़ा यकृत पित्त रस का निर्माण करता है। अब देखो इसके बाद दूसरा कार्य, हाँ पहला कार्य पढ़ लिया अपनी यकृत का। यकृत का पहला कार्य क्या है? पितरस का स्राव करना। अब देखो यकृत का दूसरा कार्य पढ़ते हैं अपन, और दूसरा कार्य क्या है? जो यकृत होता है ग्लूकोज को, किसको? ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करता है? ग्लाइकोजन। अब देखो एक चीज, यदि हमारे शरीर में या हमारे रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाए तो यकृत क्या करता है? इसे अतिरिक्त ग्लूकोज को इसमें बदल देता है? ग्लाइकोजन में। और आपने पीछे पढ़ा था कि जो मानव होता है या जंतु होते हैं उनमें भोजन का संग्रह किस रूप में होता है? तो भोजन का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है।
और ग्लाइकोजन का संग्रह कहाँ होता है? यकृत में होता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। तो यकृत का दूसरा कार्य क्या हुआ? ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस यानी यकृत ग्लूकोज को, कौन से ग्लूकोज को? शरीर में या रुधिर में जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है उसको किसमें बदल देता है? ग्लाइकोजन में, और उसका संग्रह करता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। तीसरा कार्य ग्लाइकोजिनोलाइसिस। यकृत क्या करता है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब क्या होता है? जब हमारे रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो यकृत क्या करता है? ग्लाइकोजन को वापस किसमें बदल देता है? ग्लूकोज में। तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। यह हो गया यकृत का तीसरा प्रमुख कार्य। अब इसके बाद देखो अगला कार्य, यकृत में विटामिन ए का संश्लेषण होता है। यकृत में विटामिन ए का संश्लेषण होता है। तो यह ध्यान रखना, कौन सा विटामिन है जो यकृत में बढ़ता है? तो विटामिन ए। इसके अलावा यकृत के अंदर विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन B12 का संचय भी होता है, संचय भी होता है। तो यकृत में किस विटामिन का संश्लेषण होगा? तो ध्यान रखना, यकृत में विटामिन ए का संश्लेषण होता है। और कौन कौन से विटामिनों का संचय होता है? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B12, इनका क्या होता है? यकृत में संचय होता है। अब देखो इसके बाद पांचवा कार्य, यकृत यूरिया का निर्माण करता है। यकृत यूरिया का निर्माण, तो यह भी ध्यान रखना, यूरिया का निर्माण कहां होता है? तो यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। इसके अलावा अगला कार्य देखो, यकृत में हिपेरिन पदार्थ का निर्माण होता है। यकृत किसका निर्माण करता है? हिपेरिन का। और यह हिपेरिन है यह हमारी रुधिर वाहिनियों में पाया जाता है और रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है। तो हिपेरिन का निर्माण भी कौन करता है? यकृत। और इस हिपेरिन का कार्य क्या होता है? तो हिपेरिन हमारी रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है। अगला कार्य देखो, यकृत प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजन तो यकृत प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण भी करता है। इसका निर्माण करेगा प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है। ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन है ये रुधिर का थक्का बनने में सहायक होती है। इस अगला कार्य देखो, बूर्णीय अवस्था में रुधिर का निर्माण भी यकृत में होता है। तो बूर्णीय अवस्था में रुधिर का निर्माण कहां होता है? यकृत में होता है।
इसके अलावा देखो अगला कार्य नोवा कार्य, योग का संश्लेषण, जिसको योग या अपन बोलते हैं पित्तक, अंडे में पाया जाता है, अंडे का संग्रहित भोजन होता है पित्तक या योग। इस योग का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। अगला कार्य यकृत पदार्थों का निराविषीकरण करता है, निराविषीकरण यानी जो विषैले पदार्थ होते हैं उनको यकृत विषहीन पदार्थों में बदलने का काम करता है। ये हो गए यकृत के मुख्य कार्य। दोबारा से देखना यकृत के कार्य, पहला कार्य पित्त रस का निर्माण करना, दूसरा कार्य यकृत अतिरिक्त ग्लूकोज को किसमें बदल देता है? ग्लाइकोजन में। तो यकृत में ग्लाइकोजन का संग्रह होता है, यानी भोजन का संग्रह कहा होता है? यकृत में। किस रूप में होगा? ग्लाइकोजन के रूप में। तीसरा कार्य जब रुधिर के अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो यकृत इस ग्लाइकोजन को वापस किसमें बदल देता है? ग्लूकोज में बदल देता है। अगला कार्य यकृत विटामिन ए का संश्लेषण करता है, इसके अलावा विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन B12 का संचय करता है। अगला कार्य यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। हिपेरिन पदार्थ का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। और हिपेरिन क्या करता है? रुधिर को जमने से रोकता है। इसके अलावा थक्का बनाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, इनका निर्माण भी यकृत में होता है। बूढ़ी अवस्था में रुधिर का निर्माण भी यकृत में होता है। अधिकांश पित्तक का निर्माण यकृत में होता है और यकृत क्या करता है? पदार्थों का निराविषीकरण करता है, यानी विषैले पदार्थों को विषहीन पदार्थों में बदलता है। ये यकृत के प्रमुख कार्य। तो आज के वीडियो में अपन ने यकृत की संरचना पढ़ी और यकृत के कार्य पढ़ी। ओके, थैंक यू।